नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अननोन टेक में स्वागत है। आज हम जानेंगे इनफाइनाइट स्कॉल इंपेजिनेशन, ये होता क्या और ये काम कैसे करता है। ये रहा दोस्तों एजाक्स पेजिनेशन इन इनफाइनाइट स्कॉल। तो सबसे पहले दोस्तों आप कोऑर्डिनेटर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और सेटअप कर लें अपने पीसी पे। तो मान लेता हूँ कि आप कोऑर्डिनेटर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिए हैं। एग्जांपल का सोर्स कोड में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो चलते हैं अपने व्यू सेक्शन पे। यह दोस्तों मैं व्यू सेक्शन, ये एक फंक्शन लिखा हूँ दोस्तों। एक आईडी को मैं दिया पहले लोड आईडी लिखा, लोड डेटा मैसेज, और डॉक्यूमेंट ओटीडी में एक वेरिएबल में लिखा हूँ लिमिट स्टार्ट और एक्शन। ठीक है, लेजी लोडर का एक मैं फंक्शन लिखा हूँ दोस्तों। आउटपुट एक वेरिएबल लेकर ब्लैंक किया पहले, और काउंटर फॉर लूप में घुमाया हूँ। मतलब क्या, एक लेजी लोडर में काउंट लिमिट आएगी, लिमिट क्या 7। ये जो भी फॉर लूप में आएगी 7 टाइम्स ये पोस्ट डेटा अपने सबसे घूमेगी। दिखाता हूँ मैं दोस्तों पोस्ट डेटा कैसे ऐड हो रही है आपको इस सेक्शन में। ये रहा देखिए, आप इस जगह पर चेक करिएगा, देखिए पोस्ट डेटा ऐड हो रही है। इसके बाद दोस्तों मैं और लेजी लोडर में फिर से हिट किया, करने के बाद मैं फिर एक फंक्शन लिखा हूँ दोस्तों लोड डेटा। लोड डेटा में क्या लिमिट और स्टार्ट, लिमिट में कितनी है 7 और स्टार्ट 0। ठीक है, इस फंक्शन में एक मैं एजेक्स पास किया हूँ। एजेक्स के पास होने में मैं एक पैरामीटर पास किया हूँ लिमिट और स्टार्ट। इसके सक्सेस में डेटा चेक कर रहा हूँ कि डेटा अगर ब्लिंक रहेगी तो लोड डेटा मैसेज नो मोर रिजल्ट फाउंड, अगर मिलती है तो ये लोड डेटा अपेंड करेगी, डेटा को ये अपेंड कर देगी। डेटा डेटा से पहले दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये मेरा कंट्रोलर है और ये मेरा फंक्शन है। स्कॉल पजिनेशन में एक फंक्शन है फेच, इसे मैं फंक्शन देखता हूँ फेच में क्या लिखा हूँ। दोस्तों ये फेच मेरा फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं गेट कर रहा हूँ, पहले लोड मॉडल को लोड किया। लोड करने के बाद मैं फंक्शन लिखा हूँ फेच डेटा। फेच डेटा में क्या है, फेच डेटा में सिलेक्ट ऑल ऑर्डर बाय आईडी डीएसी कर दिया, और लिमिट जो मैं पास कर रहा हूँ स्टार्ट, सॉरी लिमिट और स्टार्ट, और टेबल नेम में गेट कर रहा हूँ। करने के बाद जो भी डेटा मैं फिर चेक कर रहा हूँ इस जगह पे दोस्तों, क्या मेरे डेटा नम रोज 0 से अगर बड़ी है तो ये फॉर लूप में घूमेगी, मीन्स पोस्ट डेटा ऐड होगी, पोस्ट डेटा सेंटर जो भी है, और ये इको कर देगी डेटा को। करने के बाद देखिए सक्सेस में ये ऐसा एक रिपोर्ट आएगी, ये रहा। मैं दिखा देता हूँ आपको एज एजैक्स, देखिए फुल्ली एजेक्स काम कर रही है इस जगह पे। देखिए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।